वेलकम मेंबर्स एंड हैप्पी धनतेरस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए और ये आपका पार्ट वन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पार्ट वन है। और जो पार्ट टू है, दो ही पार्ट हैं, इसके ज़्यादा पार्ट नहीं है, बिकॉज 25 क्वेश्चन है, वो आपको भी पता है ऑलरेडी कि एक वीडियो में नहीं एडअप हो जाएंगे, और इसके साथ में आपको आंसर भी दे रहे हैं क्वेश्चन भी, तो नहीं हो पाएगा इतना। तो मैंने 25 क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, आज एक पार्ट करेंगे और कल एक पार्ट करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ पहले ये मोटिव क्या है, ये क्वेश्चंस क्या हैं, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली कॉमर्स मेंबर्स के लिए हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे अकाउंटिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके रेशो से हो, चाहे वो आपके शेयर्स से हो, ठीक है, वो हर जगह से आपके मैंने क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं। और ओनली 25 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 2008 जून से लेके 2017 जैन तक के मैंने लिए हैं। दो पेपर्स मुझे नहीं मिले अभी, तो मैंने इसलिए मैं आपको वो कल की वीडियो में एडअप कर दूंगी, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप एक बार ये चेक कर लो, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से ले लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको एक साथ ही अकाउंटिंग के मिल गए। जिसने अभी तक अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नहीं टच भी नहीं किया है ना, वो जस्ट अगर ये 25 क्वेश्चंस भी कर लो ना, तो आपका एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आया कोई प्रैक्टिकल तो आप उसको करने के एबल हो जाओगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका जैन 2017 से मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ फॉर एन इक्विटी शेयर ऑफ 50 रुपीज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, देन द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 50 रुपीज है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। सो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो वैल्यू है ऑफ इक्विटी शेयर्स की इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 50, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 5 है, सॉरी उल्टा हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका जो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल आपका 50 है जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगी, क्योंकि हमें उसी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसको आप यहाँ पे नॉमिनेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में लिखोगे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमेशा से, देन उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 25। सो 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज ए, सो ए आपका आंसर होगा 25। इसमें आपको ऑप्शन और भी थे 50, 100, बट राइट आंसर क्या है 25। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आप याद रखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके मैंने जो नोट्स हैं, मेरे फॉर्मूलेज जितने भी थे वो मैंने आज अपने पर्सनल ग्रुप में भी दिए हैं, तो जो मेरे मेंबर्स हैं प्लीज़ आप उनको याद रखना, ये यील्ड मेथड कहाँ से याद होता है, ठीक है। देन उसके बाद इसका आप सोल्यूशन देख लो, ये रहा इसका सोल्यूशन, वैल्यू पर शेयर इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, सो राइट आंसर इज 25। ये इसका फॉर्मूला है, जो मेरे मेंबर्स नहीं भी हैं अगर वो भी PDFs ले लेंगे तो उनको भी ईजी याद हो जाएगा ये कि यील्ड मेथड क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका यील्ड मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत एक तो शॉर्ट भी होता है तो ये आ सकता है, चांसेस है, तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि अगर आपका आ गया बाय चांस, और ये बहुत इजी है, आपको क्या करना है इसमें, जस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, सो राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज यहाँ पे आपका है, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 480,000 है, ठीक है, और जो कैपिटल है श्याम की वो है 310,000 है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, आपको यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ। एक तो है 480,000 है और एक आपकी 310,000 है, ये कितनी हो गई आपकी 790,000 हो गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दे एडमिट गणेश एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गणेश ब्रिंग 300,000 एज इज कैपिटल। सो जो टोटल कितनी हो गई अगर आप देखोगे 300,000 एज इज कैपिटल, 109, तो 3,4 ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये याद रखना आप ये वाली वैल्यू, देन उसके बाद देखो एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी है वो आप कैसे पता कर सकते हो, जो भी न्यू पार्टनर आता है अगर आप उसको जैसे 300,000 उस जस्ट वो कैपिटल लेके आया, वो कितना शेयर है उसका 1/4, सो आप इसको रिवर्स कर दो 4/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,200,000। सो ये आपकी टोटल कैपिटल है, जितनी टोटल बनती है। अब इसमें से आप जो हमने कैलकुलेट की थी 109 उसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा इस पर आपका आंसर, ओके 1,100,000 आ गया। अब इसका आप निकालोगे जो गणेश का शेयर है 1/4, ठीक है,
यहाँ से आप इसका आंसर निकाल लोगे, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ गणेश कैपिटल, जो 3 लाख है उसको मल्टीप्लाई जैसे आपने 4 से किया, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे 12 लाख आ गया, 12 लाख, और वहाँ से 109, आपको पता है ना कैसे आया 109, हमने राम की, श्याम की जो उनकी कैपिटल थी 4,80,000 एंड 3,10,000, एंड जो गणेश लेके आया था 3 लाख, उसको ऐडअप कर दिया, देन उसके बाद आया 109। अब 12 लाख में से इसको माइनस किया, सर आपका आ गया 11 लाख, एंड देन आपका इसमें से अब हम यहाँ पे आप इजीली अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ट्वेंटी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका क्या किया, जैसे उसका गणेश का शेयर निकाला है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये आपका क्वेश्चन कौन सा आ गया, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, देन उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन था राम एंड श्याम वाला जो अभी हमने किया, एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 5 लाख, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 3 लाख, एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो है 80,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 25 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कितना है 12 पर यूनिट, एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है 3 पर यूनिट। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, क्या सॉल्व करना है यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट जितनी सोल्ड हो रही है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे है आउटपुट ऑफ अर्न अ प्रॉफिट 80,000, ठीक है। 80,000 कैसे, जैसे आपको भी पता है हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, अर्न प्रॉफिट एवरी ईयर 80,000, एंड जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस है वो हमारा है 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 25 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पे, एक का हमारा है 12 पर यूनिट वेरिएबल है, और सेलिंग कॉस्ट कितने 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है 25, सो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ पर यूनिट, एंड जो हमारा 8,80,000 है उसको डिवाइड कर दोगे, सो राइट आंसर आपका आ जाएगा 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपकी ओल्ड रेशियो है वो है 4:3:2, और जो एग्रीड एक नया पार्टनर आया है डी, वो अपने साथ लेकर आया है 1/8 शेयर, ठीक है। अब पहले तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो मेरे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, मैंने आपको इससे दो पहले सेकंड लास्ट वाली एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको चारों बताए थे कि अगर एक्वायर का केस हो, ठीक है, टुक का केस हो, ठीक है, और आपको पास सेक्रीफाइजिंग का केस हो, ठीक है, और यहाँ पे आपको सीए वाला केस भी था। तो यहाँ पे हमने कैसे निकालना था, यहाँ पे 1/8 है, सो 1 को माइनस कर दोगे 1/8 से, सो आंसर इज 7/8, एंड 7/8 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 4/9, देन उसके बाद आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। 7/4 = 28, देन 72, मैं आपको उसका आंसर दिखा देती हूँ। ये देख लो, यहाँ पे ऐसे है डी का शेयर कितना है 1/8 है, तो 1/8 है तो आपको पता है कि हम 1/8 को माइनस करेंगे 1 से, तो कितना आएगा हमारे पास 7/8, और 7/8 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी एन सी से, तो आपका आ गया 28, 21 एंड 14, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 1/8, तो आपको पता ही है कि अगर आपका 1/8 है, ठीक है, और यहाँ पे 28/72 है, 21/72 है, और 14/72 है, तो पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, 72 करना पड़ेगा हर जगह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 72 से, 9 आ गया, देन 9, 27, 28, 21 एंड 14 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 28, 21, 14 एंड 9, सो राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स ऑफ अ फर्म आर 74 लाख, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान से देखना। जो सेल है वो है आपकी 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40 लाख, फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, एंड ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बता दो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका कंट्रीब्यूशन, ये आपको दिखा देती हूँ मैं इसका फॉर्मूला। ये देखो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे साइट्स पे गलत दिया हुआ है। सो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस डिवाइडेड बाई EBIT। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो सेल कितनी है 74 एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 लाख, सो आप माइनस कर दो, आंसर इज 34, सो 34 तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सो ये कैसे निकालते हैं, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितनी है हमारी 74 लाख, वेरिएबल कितनी है 40, एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है 8 लाख, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 26, सो 74 - 40 किया देन उसको डिवाइड किया, सो राइट आंसर इज 1.3, सो 1.3 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी।
सिक्स क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड हैज़ अ लिक्विड रेशो। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि जिसने आपको लिक्विड रेशो पता होगा क्या होती है और करंट रेशो क्या होती है वो आपको पता होगा, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। सो यहाँ पे है एक्स लिमिटेड हैज़ अ लिक्विड रेशो है 2:1, ठीक है, और स्टॉक कितना है 40,000, करंट लाइबिलिटी और 1,00,000 दी हुई है। सो सबसे पहले तो आपको लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो कितनी दी हुई है आपको, 2:1, ठीक है, यहाँ पे आपको 2:1 दी हुई है, और आपको करंट लाइबिलिटी कितनी बताई हुई है 1,00,000, और आपको यहाँ पे लिक्विड एसेट नहीं बताई हुई, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे, ठीक है, 2,00,000 आ गई। अब आप इसका मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे आ गया इसका लिक्विड एसेट आपकी 2,00,000 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको स्टॉक तभी बताया हुआ है उन्होंने ताकि आप इसको निकाल सको, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड एसेट आ गई और अगर आप उसमें से 40,000 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, करंट एसेट में से अगर आप माइनस करते हो 40,000 तो अभी आपकी लिक्विड, क्योंकि लिक्विड एसेट में आप कभी भी स्टॉक को ऐड नहीं करते हो, और आपको आपको ऑलरेडी लिक्विड एसेट दी हुई है, मतलब कि उसमें से माइनस है स्टॉक, तो आप क्या करोगे उसमें ऐडअप कर दोगे, तो उसका क्या आ जाएगा, आपकी करंट एसेट आ जाएगी। तो 2,40,000 इज द राइट आंसर। अब 2,40,000 आपके करंट एसेट आ गई, करंट लाइबिलिटी आपको ऑलरेडी पता थी, तब वहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, करंट रेशो का पूछा है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट रेशो कितनी आई है, 2,40,000 आ गई जो आपने अभी कैलकुलेट की है, और करंट लाइबिलिटी तो आपको ऑलरेडी बताई हुई है 1,00,000, सो आंसर कितना हो जाएगा, 2.54 times, बी इज द राइट आंसर। देन सेवंथ क्वेश्चन इज इन केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, ये वाला क्वेश्चन आपका गॉर्डन मॉडल से है, अगर आपको गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला पता है तो पहले हम वही देख लेते हैं फिर आपको इजी हो जाएगा। सो गॉर्डन फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर देन 1 - RR डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। सो अब यहाँ पे देख लो इसका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 1 - रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी रिटेंशन रेशो कितनी होती है 60%, ये आपको रिटेंशन रेशो दी हुई है 60%, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10%, और उसके बाद माइनस क्या करना है उसमें से, रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, सो वो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, IRR कितना दिया हुआ है 8%। तो अब यहाँ से आप निकालोगे इजीली इसके फॉर्मूले से, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना ऐसी वार्डन का, गॉर्डन का, MM का, वो सारे फॉर्मूलेज मैंने अपने पर्सनल ग्रुप जो मेरा है व्हाट्सएप उसमें मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है जो मेरे मेंबर्स हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूरी याद करना, क्योंकि ये वाले फॉर्मूलेज वैसे ईजिली नहीं है, मैंने अपनी मैनेजमेंट की बुक है जो हमारी MCOM में लगी थी, तो मैंने वहीं से BCOM में लगी थी तो वहाँ से मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है आज, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ज़्यादा सेव करके रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोनों एक साथ में दे रही हूँ, यहाँ पे है ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000 है, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, सो COGS आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2,20,000, और एवरेज स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 50,000 है, एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 है, कितना हो गया 1,10,000। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ गया 55,000, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है 55,000 को डिवाइड करोगे 4 इज द राइट आंसर। देन टेंथ क्वेश्चन इज देख लो, यहाँ पे है स्टॉक टर्नओवर रेशो इज 6 times, आपको ऑलरेडी स्टॉक टर्नओवर रेशो दी हुई है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, सो आपको अभी 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 हमने करके हटे थे, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो अब आपको रेशो भी दी हुई है, एवरेज स्टॉक भी दिया हुआ है, बट COGS नहीं दिया हुआ, तो आप इसे इजिली निकाल लोगे, कितना आ गया 48,000 आ गया, 6 × 8 देन 48,000 क्या आ गया आपके पास, COGS आ गया, इसका आप देख लो इसका सोल्यूशन देख लो, यहाँ पे 48,000 आपका COGS आ गया। अब वो कह रहा है कि वट इज़ अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला, अब सेलिंग प्राइस कितना है 25% अबव कॉस्ट, मतलब कि जो COGS अभी आपका आया है 48,000 उससे 25% जो है वो आपका कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो जस्ट आपका उसका 25% निकाल लो, 12,000 इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 80,000, प्रॉफिट है 20,000, सेल है 3,00,000, व्हाट इज अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, अब आपको फिक्स कॉस्ट पूछी है। सबसे पहले तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशो, या फिर आप बोल सकते हो PV रेशो का फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया है, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बताया है 80,000 एंड प्रॉफिट कितना बताया है 20,000. तो आप उससे ईजिली क्या निकाल सकते हो, पी वी रेशो कितनी आ गई 25%. अब पी वी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. अब कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी अभी किया था, तो वो क्या होता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है. बट एक और होता है फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, वो क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट भी पता है, कंट्रीब्यूशन भी पता लग जाएगा यहाँ पे पीवी रेशो से, तो उससे आप यहाँ से फिक्स कॉस्ट इजीली निकाल सकते हो. कैसे, सबसे पहले तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. प्रॉफिट हमें पता था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता था, तो हमें पीवी रेशो पता लग गई. और पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स. ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है उसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका ईबीआईटी. ठीक है, वो आप याद रखना. जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो उससे आपको ईजिली याद रहेगा. कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. सो पीवी रेशो आपको ऑलरेडी पता है कितनी है, 25% हमने अभी निकाली. और कंट्रीब्यूशन हमें भी पता है कितना, वो कंट्रीब्यूशन नहीं पता हमें, सेल्स पता है जो हमें यहाँ से निकली, कहाँ से मिली थी हमें यहाँ पे, ये देखो सेल हमें दी हुई है ना 3 लाख, तो यहाँ से आप 3 लाख उसमें फील कर दोगे, सो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. बट एक फॉर्मूला और होता है कंट्रीब्यूशन का, इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट. तो कंट्रीब्यूशन का आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी पता है, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट इजीली आ जाएगा. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ईबी. ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिखाया, एक बार ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन. यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी द ईबीआईटी. ईबीआईटी द फुल फॉर्म इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सो यहाँ पे आपको दो पूछे हैं, एक तो केस है आपको कि अगर आपने पूरा ही 100% इक्विटी शेयर है, और एक है आपने कि उसको डेट अपॉन इक्विटी के रेशो में बांटा हुआ है. सो सबसे पहला केस क्या है कि वहाँ पे आपका 60 लाख है ना, जो उसको आप डिवाइड कर दोगे 10 से, तो वो आपकी इक्विटी कैपिटल हो गई 6 लाख. ठीक है, और ऐसे ही जो हमारी डेट ऑफ इक्विटी में अगर रेशो कितनी है 2:1, तो अगर आप 60 लाख को डिवाइड कर दोगे इस रेशो में डिवाइड कर दोगे, डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, डेट अपॉन इक्विटी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास 4 लाख. 4 लाख कितना हो गया आपके पास, इक्विटी हो गई सेकेंड केस में, और डेट कितना हो गया 2 लाख. और फर्स्ट केस में तो आपका 6 लाख ऑलरेडी है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ. फर्स्ट केस है जिसमें आपका पूरा 100% दिया हुआ है, तो वहाँ पे तो 60 लाख है, देन उसको डिवाइड कर दोगे तो 6 लाख हो गई आपकी इक्विटी शेयर. सेकंड केस अलग है, सेकंड केस में आपको रेशोज दी हुई है 2:1 डेट अपॉन इक्विटी की, वहाँ से आपको इक्विटी अलग मिल जाएगा और डेट अलग मिल जाएगा. अब इसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सो यहाँ पे आपको क्या क्या बताया हुआ है, एक तो टोटल कैपिटल आउटले जिससे आपने ये दोनों आपको निकालने में हेल्प हो गई, और आपको जस्ट दो रेट बताए हुए हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट बताया हुआ है. सो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, जैसे आपको एक तो ये निकालना है और एक ये. सो एक है ईबीआईटी माइनस आई, आई क्या है आपका इंटरेस्ट चार्ज इन ऑल्टरनेटिव. सो यहाँ पे आपको ये देखो EBIT तो आपको पता ही नहीं है किसी भी केस में, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे फर्स्ट है I1 जो इंटरेस्ट चार्ज इन अल्टरनेटिव A है, उसका भी नहीं पता है आपको. बट सेकंड जो है उसका आपको पता है ऑलरेडी, जो आपका I2 है, वो कैसे निकाला आपने ये देखो. एक तो आपका यहाँ पे 6 लाख था ही, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेट, जो आपका इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है ये देखो, यहाँ पे आपका कितना हो रहा है इंटरेस्ट पेएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% ना. तो अब यहाँ पे आपको इजीली उसका निकाल लोगे जो हमारा इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी पे अलग है और डेट पे अलग है. सो इक्विटी आपकी कितनी हो गई 2 लाख की हो गई, और जो आपका डेट है वो 40 लाख का. सो 40 लाख इंटू 80% कर दोगे तो 7,20,000 आ गया जो आपका डेट है. तो यहाँ तो आपका मिल जाएगा, बट यहाँ आपका डेट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो इक्विटी ही है, यहाँ तो डेट की बात ही नहीं की हुई है, तो फर्स्ट केस में तो डेट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, बट सेकंड वाले में हो जाएगा. सो सेकंड वाले में 7,20,000 था, और यहाँ तो सेम ही है ये वाला, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये तो दोनों में इक्वली लगेगा. और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे आपको दिया हुआ है ना E1 और E2, ये ध्यान से देख लो. E1 क्या है, इक्विटी शेयर्स, ये क्या है, इक्विटी शेयर्स. अब आप मुझे बताओ कि जब पहला केस हमने किया था वहां पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि वहां पे आपको जस्ट 100% इक्विटी शेयर है, कोई डेट का नामो निशान नहीं है, तो मतलब कि पूरी इक्विटी रेशो हो जाएगी 6 लाख. तो इसी वजह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 6 लाख है, और जो सेकंड वाला केस है उसमें 2 लाख होगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन इक्विटी, और इसका क्या है 2:1. ठीक है, तो ऐसे इसका फॉर्मूला होगा,
ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6 लाख और वहाँ से आपको इजीली निकल जाएगा ये, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देखोगे डेट अपॉन इक्विटी, इसका फॉर्मूला है 2:1, तो मतलब ये डेट 2 गुना है और इक्विटी आपका 1 गुना है। और अब आप उसका निकाल लोगे 6 लाख का, तो वहाँ से आपका इजीली निकल जाएगा। 6 लाख को डिवाइड करना है आपको इस रेशो में, सीधा अगर मैं बोल लूँ तो आपको, ठीक है। 4 लाख आ गया ये आपका डेट आ गया, क्योंकि आप ऑब्वियसली डेट है। और जब आप 1:3 की रेशो में करोगे वो क्या है आपका इक्विटी है, किलो, ठीक है, ये आपकी इक्विटी आ गई। सो सेकंड केस में तो इक्विटी 2 लाख है और फर्स्ट केस में आपकी पूरी है 6 लाख, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके, एक में 6 लाख होगा और एक में 2 लाख होगा। एक में आपको डेट नहीं पता, एक में आपको पूरा डेट पता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आपका डेट ऑफ रेट का दिया हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स तो सेम रहेगा। वहां से आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका जो है EBIT क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 10,80,000। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का दिया हुआ है, बट इससे आपको दो चीज़ें पता लग जाएंगी। एक तो अगर आपको कभी भी केसेस वाला आ जाए और डेट अपॉन इक्विटी की रेशियो यहाँ से पता लग गई क्या होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैसे लगाना है वो पता लग गया, और यहाँ पे आपको कैसे आपको इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करना है वो पता लग गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपने ऐसे भी क्वेश्चंस कर लिए ना आपका कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको दिया हुआ है करंट रेशियो 2.5, ये आपकी करंट रेशो है सॉरी, और लिक्विड रेशो कितनी है 1.5, वर्किंग कैपिटल कितना हुआ है 60,000। आपको करंट एसेट पता करनी है। सबसे पहले तो अब ये देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला किसी को पता होगा तो वो क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000, ठीक है, ना आपको करंट एसेट पता ना आपको करंट लाइबिलिटी पता, तो अब इसको यहीं छोड़ दो। अब आ जाओ करंट रेशो पे, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे आपको 2.5 तो दी हुई है ना, लो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ पे आपकी जो करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपकी यहाँ पे क्या होगा, CL मल्टीप्लाई 2.5, मतलब कि ये तो पता लग गया ना आपको कि 2.5 CL की वैल्यू, CA की वैल्यू क्या है 2.5 CL। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले पे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मैंने अभी एक CA की वैल्यू निकाली थी 2.5 CL माइनस CL, तो यहाँ पे आ गया 1.5 CL इज इक्वल टू, आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000, तो मैं CL तो देखो निकाल ही लूँगी, 60,000 डिवाइडेड बाय, ये आ गया ना आपका आंसर, ये देख लो यहाँ से देख लो, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करूँगी सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 40,000, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट एसेट आपकी 1 लाख आ गई। ये बहुत इजी था, तो आपको निकालना क्या था, जस्ट करंट एसेट निकालनी थी, वो आपने निकाल ली, 1 लाख इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। यस, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है वीडियो। एक पार्ट में मैंने आपके 12 क्वेश्चन करवाए हैं जो आज मैंने करवा दिए हैं पूरे, आपको इसकी PDF अभी मिल जाएगी, ठीक है, 10 बजे के आसपास आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, मैं वीडियो खत्म होते अब उसमें अपलोड कर दूंगी। तो आप या तो ये वाला क्वेश्चन डाउनलोड कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जस्ट मुझे राइट आंसर बताओ। ये आंसर ऑप्शन आप मत देखना, क्योंकि ये ऑप्शन सही हो सकते हैं गलत हो सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। बट हाँ, अगर आप एक बार इसका मुझे सोल्यूशन निकाल के मुझे जस्ट ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। और उसी के साथ जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, ये मेरा 13th क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे, ये आपके उसमें है, मैं जस्ट आपको कल आंसर बताऊंगी जस्ट ओनली, एंड बाकी के जो 12 क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका पूरा अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया जितना भी है हमारा, जितना भी कॉमर्स का। अभी अगर कॉमर्स में जस्ट ओनली किसी ने जस्ट थ्योरी की है तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करना, उससे आपका प्रैक्टिकल हो रहा जाएगा। और ऐसे ही ना मैं स्टैटिस्टिक्स के भी जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जैसे कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्ल पियर्सन का सॉरी वो जो है चीज़ का टेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हमारा जो स्टैटिस्टिकल एरर है उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो वाले जो वो वाला पार्ट है उसकी भी मैं आपको वीडियो ऐसे दे दूंगी, चाहे जिससे आपका जस्ट ओनली प्रैक्टिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अभी तक अकाउंट्स के प्रैक्टिकल नहीं किए हैं सीरियसली, उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपको ये पता है मैं वही वीडियो बनाती हूँ जो मुझे नहीं मिलती है, ठीक है, जो मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं वो वीडियो बना देती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करना, और किसी ने भी ज़रूर कोशिश किया होगा यूट्यूब पे सर्च कर लो चाहे कि अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ आपको टोटल नहीं मिलेंगे अभी तक जितने भी हैं। सो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, सो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और इसकी प्लीज़ टेलीग्राम पे वीडियो लेकर सॉरी PDF लेकर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर
देना, जो भी आंसर देगा ऑब्वियसली उसका अकाउंट सो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करना और बाकियों को भी पता लगेगा क्या राइट आंसर है। सो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।